सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है। जबकि दोस्तों, हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है। पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों, मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए, पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों, इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बच कर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है,
शाहरुख खान की एक्टिंग, भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना, आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है, और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से इंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में,
तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की, और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी, जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था, तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट ही डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को
थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों, मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों, इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचा कर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब, क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है, और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं। हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से इंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की, और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे।
जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कमिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बच कर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग होंगे जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी
नहीं यह मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन धीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बच कर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचा कर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर उन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है, और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं। हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की, और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था
और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कमिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीना नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीना में है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि इस सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी,
सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों, मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों, इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बच कर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब, क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़
आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी, जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ, और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था, और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की, और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ
तमिल भाषा में रिलीज किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रहे मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था, तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है। पर आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी
आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी की कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है, उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना।
आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है, और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं। हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों, मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ, और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से इंजॉय कर सको। तो चलिए, पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था, और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी, और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की, और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों, इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का
टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनके पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं
जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग होंगे जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल
ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्त, मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं। हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों, मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों, इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में,
तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन धीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेता, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीना नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग होंगे जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी, जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर
जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की, और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन धीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीना नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीना में है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग होंगे जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं
और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्त, मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं। हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनके पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों, मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों, इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन धीर,
लेखा टंडन, फरहान खान, कमिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीना नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचा कर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी, जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है। पर आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो,
दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कमिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे उसके भाइयों थे वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर उन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं
और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है, और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं। हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ, और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था, और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की, और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी, जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था, तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट ही डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है। पर आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी
आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो राहुल है वो मीनामा नाम के लड़के को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे उसके भाइयों थे वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है।
और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं। हॉनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था, तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख रही मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन ढीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो
मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और ये मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी, जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था, तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था, और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है। पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना,
ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की, और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है, जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन धीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतवम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर वो कैसे रहता है, कैसे वहाँ से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचाकर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर इन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग होंगे जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी, जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था, तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था
शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज आपको बॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी में एंजॉय कर सको। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और वीडियो को बिना देखकर ही नीचे कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी बेकार है, जबकि दोस्तों हमने मूवी के बारे में सब कुछ बता के रखा होता है वीडियो के अंदर, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट और मूवी की सारी जानकारी, मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी, सब कुछ हमने आपको वीडियो के अंदर बता के रखा होता है, पर आप लोग वीडियो को देखती भी नहीं हो और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको इतना नहीं बताऊंगा कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में इस मूवी को हम यहां पर फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, पर इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर जो तमिल तेलुगु डायलॉग आते हैं वहाँ पर आपको थोड़े खटखट हो सकती है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और आपको लगेगा कि आप कोई और ही मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई साउथ की मूवी देख रहे हो। दरअसल दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मूवी में तमिल भाषा इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर आपको इस मूवी की कहानी भी बताने वाला हूँ और साथ में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सको। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर आगे आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आप सभी को पता ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था और यह एक बॉलीवुड की एक्शन रोमांस मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का था। मूवी काफ़ी कमाल की थी और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और वहीं पर 80% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी ऑलमोस्ट मूवीज़ हिट और ब्लॉकबस्टर रही है, इनकी फ्लॉप मूवीज़ ना के बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में रिलीज़ किया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर तमिल का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को इस मूवी का टाइटल देख कर मालूम पड़ गया होगा कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है जो शाहरुख खान के ऊपर बेस होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में आपको देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नितिन धीर, लेखा टंडन, फरहान खान, कामिनी कौशल, श्वेतम, मुकेश तिवारी, सत्यराज और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, तो इसलिए आपको यह मूवी ज़रा भी बोर नहीं करने वाली है। मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है। जो राहुल है वो मीनामा नाम की लड़की को किडनैप करता है। दरअसल वो किडनैप करना नहीं चाहता था, बल्कि वो लड़की उसको फंसा देती है और गलती से दोनों साथ में हो जाते हैं। फिर जो राहुल है उसको, जो मीनामी है उसके जो भी लोग थे, उसके भाइयों थे, वो उसको अपने घर लेके जाते हैं।
फिर वहां पर वो कैसे रहता है, कैसे वहां से बचकर निकलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। तो राहुल कैसे इन भाइयों से लड़ता है और सब कुछ कैसे सच बोलता है, वही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मतलब अपनी जान बचा कर कैसे वहाँ से निकलता है, वो इस मूवी में देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात वो है शाहरुख खान की एक्टिंग। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर उन्होंने, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी इस मूवी के अंदर थी। और यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है दोस्तों, उनकी एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल को बना लिया है। तो आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी नई मूवीज़ आती है हम उनकी अपडेट लाते रहते हैं। और दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये मूवी टीवी पर आती रहती है, पर आप में से बहुत कम लोग हो गए जो मूवी टीवी पर देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो मूवीज़ को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही देख लेते हैं और टीवी अवॉइड करते हैं। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनकी अपडेट लाते रहते हैं, और यह मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की थी जो आपको बोर नहीं करने वाली है। और इस मूवी के अंदर सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, हनी सिंह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी और इस मूवी का जब सॉन्ग रिलीज़ किया जाने वाला था तो हनी सिंह को कहीं बाहर जाना था, तो शाहरुख खान ने एक कॉल घुमाया और उनकी पूरी फ्लाइट डिले करवा दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का पावर बहुत ज़्यादा है। फिर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था, यानी कि सॉन्ग को मतलब हनी सिंह ने गाया था और सॉन्ग काफ़ी हिट भी हुआ था, जो आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, दमदार मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर करना, और हो सके तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना।